नमस्ते, मैं वापस नहीं जा सकती, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मैं कुछ गलत काम कर दिया। थैंक गॉड हम जैसे तैसे रास्ता खराब है फिर भी पहुंच गए। Hello, Rivoro family, Kulumbai, namaste, welcome back to our another vlog. So guys, हम लोग इतनी सुबह सुबह पूरा रेडी हो गए, पूरा ड्रेस ड्रेस पहन लिया, अभी हम लोग जाएंगे डोलोंगजोरा। डोलोंगजोरा जाने के लिए हम लोग कल से मतलब बहुत सारे चीज़ें रेडी करके रखा था, लाइक लोटा वगैरह। तो सुबह सुबह बीनिए उठ के पहले से ही मतलब पूजा कर लिया घर पे थोड़ा सा, पर मुझे करना चाहिए था लेकिन वो हमेशा सोमवार को करते हैं, तो मैंने सोचा चलो आज मैं नहीं करती हूँ, उसको करने देते हैं। तो मैं नहीं उठा तो ये पहले सुबह 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 के 4 बजे उठ के इन्होंने पूजा वगैरह सब कुछ ख़त्म कर लिया, और अभी हम लोग जाएंगे डोलोंगजोरा। हमारे पास में ही है एक मंदिर, शिव मंदिर, हम वहाँ पर पूजा करने नहीं जाएंगे क्योंकि हमें डोलोंगजोरा में जाना बहुत पसंद है। और वहाँ पर जो भी हम लोगों का पहले वाला वीडियोज़ आप लोगों ने देखा है, आप लोग पहले से ही जानते होंगे कि हम लोग डोलोंगजोरा पर बहुत बार गए हैं। उस जगह पर हमें बहुत ही गुड फीलिंग्स वाइब आती है, तो हम लोग वहाँ पर ही जाएंगे आज। और बीवी रेडी हो गए वाइट ड्रेस पहन के, और मैं हमेशा रेड ड्रेस पहनती हूँ क्योंकि मुझे रेड ड्रेस पहनना बहुत अच्छा लगता है, और मेरा सारा ड्रेसेस ना रेड रेड है। तो जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग सोचते होंगे कि ये दीदी इतना सारा रेड ड्रेस क्यों पहनती है, पर क्या करें, मेरा सारा ही ड्रेस रेड है। तो दुकान में जो भी जाती हूँ, जहाँ पर भी जाती हूँ, तो मेरा नज़र सिर्फ रेड पे ही टिकी होती है। मतलब दूसरा वाला कलर्स भी मुझे अच्छा लगता है मेरे पास, लेकिन उतना नहीं है जितना रेड है। मैं कुछ भूल गई क्या, मुझे सूनी सूनी लग रही है अपने फेस पे। मैंने सिंदूर तो लगा लिया मैंने, और टीका भी तो लगा लिया, कुछ रह गया क्या मेरा। मैंने क्या क्या लिया है अभी, यहाँ पर मैंने अपना फ्लावर्स लिया, मुझे बास्केट चाहिए था अभी, बास्केट। ये प्लास्टिक मुझसे नहीं होगा, मैं बहुत ही क्लीन रहती हूँ, तो मुझे प्लास्टिक यूज़ करना अच्छा नहीं लगता। तो मैं मम्मी से जाके कुछ लेके आती हूँ। हाँ अब ठीक है, भेगा भेगा पे मोन आया, मामा लग रहा है प्लास्टिक नहीं आया, ये नहीं मिलता, लाइट ऑफ करना भूल गई। बे लोग तो वहाँ पर चावल वगैरह भी चढ़ाते हैं, सो हम लोग ले ले थोड़ा, क्यों वो लोग दे देंगे पहले की तरह। हल्दी वगैरह कुछ ले लेते हैं, हमको तो नहीं पता इतना सब देना, मुझे नहीं पता। सो गाइस हम लोग जाते हैं अभी बाइक से, और बाइक से तो आप लोगों को पता ही है इतना ज़्यादा वो हवा आती है, तो बात इतना साउंड इतना अच्छा से नहीं आता है। ओ भी क्या हुआ, मुझे पोटी लग रही है थोड़ा थोड़ा, चलो कोई ना मैं मैनेज कर लूंगी। चल चल दरवाजा खोला, वो देखो जाती हमारे साथ जाने के लिए रेडी है। कब से जब मैं तैयार हो रही थी ना, ये मेरे पीछे 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 मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा था ये। हाँ ये लोग भी इतना मुश्किल क्यों है यार। हाँ ओके, आपने ना वो उधर वाला का किचन का दरवाज़ा बंद नहीं किया था, ठीक है। सुबह सुबह हो गए, कौन आएगा अभी, चोर आ गया तो। बाय 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 बेटा, हमारे साथ जाने के लिए बहुत रेडी था ये सुबह सुबह उठ के। बाय बाय, लव यू बेटा, बाय बाय। बेचारा जाती सोच रहा होगा, कल भी हम लोग उसे छोड़ कर गए थे, हमारे गांव गए थे हम लोग वहाँ पर खंखरा बारी पे माइके के घर,
उस टाइम भी बेचारा बहुत रेडी हो रहा था हमारे साथ. जब मैं तैयार होती हूँ तो हमेशा वो पीछे 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 आगे पीछे डूब मिलाता हुआ रहता है. तो बेचारा क्या ही करे, उसको तो बाइक पे चढ़ना भी नहीं आता, सिर्फ भागता रहता है वो. तो इसलिए हम लोग उसे कहीं पर ले जाते भी नहीं है. बा बा मारे मेगन फ्रेंड भी जब ना है तो ये लोग भी जाएंगे भी. ये कितना मोटू हो गया ना कौशिक भाई, मोटा हो गए क्या ही करे. चलो जिम विम जाते हैं हम दोनों. खाने के लिए पैसा नहीं हो जिम. डायरेक्ट ये है ना, हर हर महादेव बम बोले. रुक रुक नहीं खाना बम बोले. सो गाइस, हम लोग अभी टिपकाई बाजार पार करके हम लोग रास्ते पर हैं और मुझे बहुत ठंड लग रही है. तुम्हें ठंड नहीं लगती बीबी? इतना अच्छा हवा, कूल 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 नहीं, मुझे ठंड लग रही है पता नहीं क्यों, क्योंकि शायद मैंने सुबह सुबह नहाया है और बहुत देर तक नहाया है. मैंने भी तो नहाया है. नहीं तू बहुत जल्दी नहाया था ना बाथरूम पे. हाँ तो शायद इसलिए मुझे ज़्यादा ठंडी लग रही है, क्योंकि जो पानी मेरे पे ज़्यादा लगी है ना इसलिए. क्या देखो देखो रनिंग कितना कर रहा है. कौन रनिंग कर? मुझे भी करना है. वो देखो आगे कौन है वो पता नहीं, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है. मेरा बाल देखो ना, मैं हेयर क्लिप लेना भूल गई इसलिए तो बोल रहे थे कि कुछ सूना सूना लग रहा है, कुछ चाहिए मुझे. मतलब क्या ही करे. ये देखो तुम्हारा स्कूल. हाँ वाह कितना अच्छा रास्ता है ना हमारा, जंगल के बीचों बीच सिर्फ बारिश होना बाकी रह गया. अरे मत बोलो भाई. बारिश होने से बहुत अच्छा होता है. अरे भैया ऑल इज वेल. अरे चाचू ऑल इज वेल. थ्री इडियट्स. इस स्कूटी में देखो ना तीनों लोग कैसे दिख रहे हैं. सिगांगे आरन चोर दार चांचर आई नुमा दंगे के मारुन स्वयं मोर प्रावे के जुम्मा. ठीक है तो गाइस मिलते हैं डोलोंग जरा. पहले बार मतलब इधर पे रास्ता सूखा मिला. वो बात तो सही है, पहले जब हम लोग आए थे इधर तो बारिश की वजह से ये रास्ता बहुत ही खराब था. जितना भी मैंने इधर से आया बोलबोम पे पानी डालने के लिए हर टाइम मतलब इधर में रास्ता इतना खराब होता है. पहले वाला का जो निशान देख रहे थे आप लोग एंट्री का, हम लोग बाइक को वहीं पर छोड़ के आ गए थे जब मैं इसके साथ पहली बार आए थे यहाँ पर पूजा करने के लिए. तो अभी हम लोगों को रास्ता सूखा सूखा मिला है बहुत अच्छा वाला. ये भी एक एंट्री है क्या? दो दो एंट्री. अच्छा हम लोगों को वो बेल का पत्ता लेना है, अच्छा वाला लेना है. अच्छा वाला पत्ता चाहिए मुझे. अच्छा वाला मतलब पूरा वो पत्ता में फटा हुआ नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैंने इतना सारा लिया है. बाद में अच्छे से देख कर वहाँ से ले लेंगे. चल अरे कोई पूजा दे के आ रहा है हम लोग के लिए. थे रास्ता तो देखो क्या मौका है ना. मुझे गिराना मत बस. ये देखो मेन गेट. क्यूट क्यूट बेबी बच्चों का फोटो दिया है. क्या हम बोले हम बोले नीचे नीचे से भी गया है बोले. नीचे वो पानी में जाता है ना के पूजा करने के लिए. थ्री इडियट्स पहले से ही पहुंच गए इधर. ओह गाइस थैंक गॉड हम जैसे तैसे रास्ता खराब है फिर भी पहुंच गए. यहाँ का खिचड़ी बहुत अच्छा है, पहले हम लोग भी खाए थे ना उस टाइम, भूल गए क्या? बाबू भैया भगवान के घर में राक्षस आया है खाने के लिए, सिर्फ खाने के बारे में सोच रहा है ये. आई वाज जस्ट स्लीपी लाइक भीमनो भी आस्ते तो वैसे आप लोग देख सकते हैं इधर बहुत सारा आदमी है और बहुत मज़े से नहा रहा है. मुझे भी नहाने का मन कर रहा है.
बट मैं घर पे ना कर आई हूँ तो इसलिए मैंने नहाऊंगी इधर भी। तो तुम भी तुम्हें नहाना है? तुम लोग पानी लेके पूजा करें क्या अभी? टाइम तो ऐसे ही चला गया, अभी 6 कितना हुआ, 6:30 हो गया है शायद। चलो पूजा करते हैं। मुझे मिरर चाहिए था, मेरा सारा का सारा बाल फिजी हो गए हैं, देखो ना पूरा हवा से खराब हो गया। चलो चलो वहाँ पे चलो, नीचे जहाँ पर पानी आ रहा है उधर चलो, गिर जाएगा। अरे ये बहुत स्लिपी है। तो भाई जितना मज़ा लेना है हम लोगों ने दूसरों को देख के ले लिया, क्योंकि हम लोग उतरने वाले नहीं है नदी पे। इधर से उतरे के भी, ये भी तो अच्छा ही है उधर से, दादा ठीक है उधर से उतरता है। बहुत स्लिपी है, पहली बार इधर आ रही हूँ तो चलो नमस्ते कर लेती हूँ। तो ये है वो झरना, मंदिर के ऊपर से आता है ये पानी, छोटा वाला गलीगन गलीगन। सच अ क्वाइट प्लेस एंड ब्यूटीफुल प्लेस। ठीक है, छोटा छोटा वाला अच्छा वाला रखना, साफ वाला। तीन तीन रखो ना अभी। तो गाइस हमारा तो पानी रेडी है, तो अभी उन लोगों को वेट करते हैं। 3 idiots अभी तक नहीं आया, नहा रहा है शायद। यहाँ पर थोड़ा सा बैठ लेती हूँ भी, गीला गीला है जो तुम जहाँ पर रखा वो अच्छा है ना, थोड़ा सा बैठने के लिए दो। पानी पे भी थोड़ा सा धूपकटी लगा कर जाए क्या? वाई मैं होल्ड करूँ? पर पानी गिर रहा है देखो, मुझे बहुत ही पोटी आ रहा है। सो क्या हुआ, ये तो नेचुरल है, भगवान ने बना के दिया है। यहाँ पर पहले मंदिर था ना, उसे तोड़ कर बनाया हुआ है इधर। पहले नहीं मतलब ये अभी बनाएगा, बनाएगा नया वाला हो गया, कंस्ट्रक्शन शुरू। तुमने जिस तरह से इतना लेट करवाया मतलब पूजा देने के टाइम पे, बाप 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 क्या, सारे बहुत सारे लोग वाइटिंग में था, बट वो लोग बैठ सकते थे लेकिन वो वहाँ पर बहुत सारा स्पेस, सिर्फ तुम्हारी बाजी से वो लोग रुक गया। अरे बहुत सारा स्पेस था, वो लोग बैठ सकते थे। मिनिमम मैक्सिमम 2 minutes लिया तुमने। अरे मेरे बात तो खत्म करने दो, बहुत कुछ मांगा है, बहुत कुछ मांगने को और भी बाकी था लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला, मैं वहाँ पर मांगूंगी। तो अया मेरा दर्द कर रहा है रे, इतना नीचा हाँ पैर तो दर्द करना ही है, पैर बहुत दर्द कर रहा है मेरा। वैसे भी हमारे पैर थोड़े ना स्पाइडरमैन की तरह है जो चिपक जाएंगे, तो हम लोगों को पूरा संभाल के वहाँ पर चलना पड़ता है। तो तुम्हें कैसा फील हो रहा है? अच्छा और क्या, तुम्हारे माथे पर टीका नहीं है और मेरा माथे और मेरे माथे पर टीका है। चलो मैं लगा देती हूं। नहीं नहीं तुम हाथ से दो, हाथ से नहीं, हाथ से थोड़ी ना किया जाता है। जा यार इतना ये देखो 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 लग गया, अभी रेड वाला बाकी था, रेड वाला तो हाथ किस नहीं लगेगा, कहां पे है देखो, ये लग गया देखो तुम्हारा, कहां पे रेड वाला देखो, दोनों लग गया देखो, देखा मैं कितना स्मार्ट हूं। इसलिए तो मैंने बोला मैं नहीं लगाएगा बोल के टीका, मुझे पता है कि ऐसा होने वाला है। क्या होने वाला है?
तू अभी मेरे पे ब्लेम मत कर, ठीक है? तो गाइस हम लोग का अभी पूजा खत्म, उसके बाद पूजा खत्म हो चुका हम लोग के पास, वो अभी कहाँ पे पता नहीं उन लोग घूम रहा है, मैं कहाँ पे आटा पता कुछ भी नहीं है, वो लोग नहा के पूरा इंजॉय कर रहा है शायद, और मेरा पेट तो अभी भी क्लियर नहीं है। मैं इतना होल्ड करके रह रही हूँ ना, तुम्हें पता भी नहीं, तुम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हाउ मच आई फील राइट नाउ, फिर भी मैं भगवान के नाम पे इतना होल्ड कर रही हूँ, यू कैन एक्सप्लेन इट। ठीक है, तो हमारा पूजा खत्म हो चुका है और बैग भी भूल के आया मैं इधर में ऊपर में वहाँ पे, इसको लेना जाना पड़ेगा, नहीं तो कोई कोई ले जाएगा तो बाबा। ठीक है, तू लेकर आओ, चलो जाते हैं ऊपर में, और क्या इधर में कोई भी नहीं है अभी, तो मेरा पूजा खत्म हो चुका है ना, I can do something. और वहाँ पर कुछ है क्या उधर ऊपर में, लेट्रिन वगैरह? यहाँ का खिचड़ी बहुत अच्छा था पहले का, मुझे टेस्ट करना था, लेकिन आज मेरा उपवास है। लास्ट में खाओ, लास्ट में भी होगा, मैं उपवास रह रही हूँ लास्ट पे। ठीक है, तो फिर मैं बच गई भी, क्योंकि शौचालय की सुविधा से मैं बच गई, नहीं तो मेरा पेट बिल्कुल ही वो होना था आज। पहले तो नहीं था ना? हाँ, पहले नहीं था यहाँ पर शौचालय की सुविधा, लेकिन अभी बन गया है पूरा, और मंदिर भी नया बनाने वाला है, दैट्स व्हाई मैं बच गई। मेरा ना रोज का वो है, मतलब पूरा टाइमिंग है, 7 बजे नहीं तो 8 बजे मुझे लेटरिन जाना ही जाना है। लेकिन पहले मैंने पूजा तो खत्म कर दी, देखो मेरा शक्ति कितना है, तू तो नहीं कर सकता था ये सब, मेरे पास कितना पावर है होल्ड करने का, आई कैन बिलीव दिस, तुम्हारे पास तो ऐसा वाला पावर नहीं है रे, मैं सोचती हूँ। ठीक है, तुम विनर हो गए। नहीं, उस वक्त ना जब हम लोग वो वाला शादी पे गए थे ना हम लोग दुलियाजान, तो उस पर मैं बस में तुमने जो मेरे साथ किया ना, तू बहुत घटिया किया। मैं भाग के आ गई, वहाँ पर लेटरिन में कोई था तो मैंने बोला भैया प्लीज निकलो ना, इट्स अर्जेंट। वो बोला अरे कितना भी अर्जेंट है, मुझे पेंट तो पहनने दो, ऐसा बोल रहा था। पागल है क्या तू? इतना जोर जोर से वो कर रहा था। वो बोल रहा था अरे बहन पेंट तो पहनने दो, पागल है क्या तू? मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा है तू इतना मुझे टॉर्चर किया उस टाइम। अरे मैंने किया और किस बेचारा को तुमने टॉर्चर किया, बाद में जाके और किया उसने, इक्वल हो गया बेचारा। ओके बाय बाय, टाटा, नमस्ते। मैं वापस नहीं जा सकती, आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मैं कुछ गलत काम कर दिया जो पूजा के बिल्कुल विरुद्ध है। सो लेट्स गो, हम लोग घर जाते हैं और अभी, और मेरा तो आज उपवास है, सबके लिए खाना बनाऊंगी, फिर भी मैं उपवास रहूंगी, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, बस पानी पीऊंगी, बस पानी, तो मेरे हेल्थ के लिए भी अच्छा है, इट बेनिफिट्स मी। ये तू भगवान के लिए नहीं कर रहा है, तू खुद के लिए कर रहा है। नहीं, दोनों तरफ एक तीर से दो निशाना मैंने मारा है सच में। हो गया, ठीक है, चलो बाय बाय। सो यस लेट्स गो। चाची मुझू ही इज वेटिंग फॉर अस, वो हमेशा हमारा वेट करता है, चल आ जा पहले। ठीक है, सो गाइस हम लोग घर पहुंच गए हैं, थैंक यू सो मच हमारा ये वीडियो देखने के लिए। और एक सीक्रेट की बात बताऊं, ये व्रत ना मेरे बी के लिए रखा है कि उसके काम, जो भी वो काम करेगा वो सक्सेसफुल हो, इसलिए, और उसकी लंबी उम्र के लिए मैंने ये व्रत रखने का सोचा है। तो बी को ये बिल्कुल भी नहीं पता है, तो इट्स अ सीक्रेट। वो सोचता है कि मैं अपने बॉडी के लिए, या मैं बहुत मोटी हो गई हूँ ना, तो डाइटिंग वाइटिंग करके कुछ मेरा भी फ़ायदा होगा, जैसे मैं पतली हो जाऊंगी, ये सब सोच रहा है, पर ये सब बिल्कुल भी नहीं है। एक दिन से कोई भी पतली नहीं होता है, सिर्फ एक दिन ना खाने से कोई भी पतली नहीं होता है। तो अगर आप लोग मेरे इस वीडियो को अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, और हिट द बेल आइकन, ताकि आप लोगों को अगर मैं नए नए वीडियोस अपलोड करूँ तो आप लोगों को जल्दी 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 नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच, बाय, आई लव यू। हाँ भी आप देखो, come on, good boy.